So this problem is, यहाँ पर problem है, a convex lens forms an image of an object placed 20 centimeter away from it at a distance of 20 centimeter on the other side of the lens. If the object move 5 centimeter towards the lens, the image will move. तो पहले तो आप देखिए कि object का distance और image का distance same है convex lens में. इसका मतलब आपका जो object रखा हुआ है वो center of curvature पे रखा हुआ है. तो हमारा जो focal length होगा f जो होगा f इसका हाफ हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, पॉजिटिव होगा. और u जो होगा, u एक्चुअली इनिशियली आपका -20 था, फिर बाद में आपने 5 सेंटीमीटर टूवर्ड्स जो लेंस है वो आपने उसको सरकाया है, तो ये आपका हो जाएगा -15 सेंटीमीटर. v यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है. तो वी नो दैट कि v इज इक्वल टू 1/f + 1/u, क्योंकि ये लेंस है, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा u + f / u f. दैट मीन्स v इज इक्वल टू uf/u + f. ओके, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. u की वैल्यू है -15, f की वैल्यू है +10, अपॉन u की वैल्यू है -15. क्या कर रहा हूँ मैं, अच्छा यहाँ पर ये प्रोडक्ट है और यहाँ पर u प्लस f, तो f ये यहाँ पर +10. तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया -150 डिवाइड बाई, ये हो गया आपका -5. तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 3 का, तो ये v की वैल्यू हो गई 30 सेंटीमीटर. ओके, तो पहले तो जो इमेज है वो 20 सेंटीमीटर बन रही थी, फिर बाद में जो इमेज है वो आपकी बन रही है 30 सेंटीमीटर पे. तो यहाँ पर आप देखेंगे 20 से 30, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर क्या हुआ यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर इट मूव अवे फ्रॉम द लेंस. सो 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, ये जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए.